वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जो बाइक में डिस्क ब्रेक होता है, पीछे में कंप्रेसर डाउन जब हो जाता है तो डाउन किस तरह से हम लोग कंप्रेसर लाए। देखिए, इस बाइक में ब्रेक नहीं है, थोड़ा व्हील को घुमाऊँ, ब्रेक दबा के हूँ और व्हील हम लोग का फ्री घूम रहा है। तो गाइस, ये वीडियो मैं मजबूरी में बना रहा हूँ कि एक मेरा जो भगना है, देखिए खुद दिस बाबू, और जैसे कि काफ़ी सारे कोशिश किया करने के बाद जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो गाइस, आज इस बाइक में जैसे कि कंप्रेसर लाएंगे और डिस्क ब्रेक हम लोग का काम करेगा, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग कंप्रेसर लाए। एक सिरिन लाया है, ये सिरिन की मदद से जिसमें कि कंप्रेसर ले जाएगा। ओपन करे, नहीं नहीं उसको लगा रहे दे दीजिए, पाइप को खोलिए, प्लस लाइए, बस। तो गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और कोई भी नाड़ हम लोग ढीला नहीं देंगे। सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ, ये जो हम लोग ब्रेक ऑयल है, इसे हम लोग इसमें कि पंच करेंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो गाइस, हमने ले लिया है, अब इसके अंदर जैसे कि पुश करेंगे, ठीक है, नाट को हम लोग ओपन करेंगे। तो कैसे इसे ढीला किया, वहाँ देखिए थोड़ा वाइल जाएगा, इसको निकालो, थोड़ा ढीला करो, इसको खोल लेते हैं, देखो वहाँ हवा निकल रहा है, देखो, ठीक है, निकलने दीजिए, चला रहा है। अब चलो इस नाट को हम लोग जैसे कि लगा देंगे, तो गाइस मैंने भी कोशिश किया बट नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए, ये हम लोग का छेद बन हो चुकी है, तो चलो इसको हम लोग जैसे कि क्लियर करेंगे और छेद का लिंक जो है इसे हम लोग हवा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हवा नहीं आ रहा था यार, का जो नाट है ये ब्लॉक हो चुकी है, इसीलिए शायद दिक्कत हुआ है और डिस्क ब्रेक हम लोग का काम नहीं कर रहा है। तो गाइस, अब पेट्रोल लाइन की मदद से जिसमें कि वॉश हो चुकी है, देखिए जा रहा है, अब आसानी से हम इसको लगाएंगे। चलिए इसको लगाता हूँ, और जिसमें कि हम लोग पूरा टाइट नहीं करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग वाइल डालेंगे, हल्का ढीला रखा, इस खेत से अंदर हम लोग का वाइल आएगा, अब काम बन जाएगा जल्दी ही। उस वक्त ये जाम होने का कारण हम लोगों का हवा नहीं आ रहा था और जैसे कि हम लोगों का ब्रेक ऑयल भी नहीं आ रहा था। अब हम लोग इसमें कि खींचेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा और कंप्रेसर भी आएगा। तो यहाँ से मार रहा हूँ, वहाँ दिखाइए, देखिए आसानी से आ रहा है। नॉट टाइट करो, जल्दी टाइट करो, बस। रुको, थोड़ा ढीला देकर टाइट करो, ढीला दो, हाँ टाइट करो, एक बार ढीला दो, टाइट करो, तो गाइस परेशान करके रख दिया मुझे भी, और मजबूरी में मैंने जैसे कि दूसरा स्टेप यूज किया कि दूसरा स्टेप हम देखते हैं जो हम लोग का पंप सही है या ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं जो हवा था, हवा जैसे कि मैंने स्टीयरिंग की मदद से मैंने जैसे कि हवा को दिया, बट काफ़ी सारे बाइक में मैंने किया है, नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं कुछ आप लोग को तरीका बताता हूँ। तो गाइस, ये हम लोग का कंप्रेसर इसी से जाएगा, अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है देखो गाइस, ये हम लोग का जैसे कि ये फॉल्स काम कर रहा है, पिस्टन जो है आया जाया नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से खोले, ओपन किस तरह से करें। तो गाइस देखिए, पिस्टन अटक के रह गया है, खाली ये रॉड हम लोग का आया जाया कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो चलो
हम इसको ओपन करेंगे और क्यों ऐसा हो रहा है वही जगह हम करेंगे। टूट गया है गाइस, बहुत ही मुश्किल अब खोलना। पतला स्क्रू ड्राइवर लाइए, गाइस देखिए मैंने खोल लिया है। अब इसके अंदर देखो पिस्टन जो है, पिस्टन बैठ के रह गया है। देखो पिस्टन हम लोगों नहीं खेल रहा है, जब कंप्रेसर हम लोग आया जाया करेगा ये नहीं खुल रहा है गाइस, तो बहुत ही दिक्कत है। तो चलिए इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद हम कोशिश करता हूँ इस नाट को हम लोग ओपन करना पड़ेगा। सलाइड रिंच लाइए और 12 नंबर गुट्टी, जैसे कि इसको खोलेंगे इस नाट को हम लोगों को ढीला देना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा तभी काम करेगा। तो गाइस ये हम लोग का मेजर पंप और पिस्टन हम लोग का बैठ के रह चुकी है, तो थोड़ा यहाँ इंजन वाल दीजिए, लुब्रिकेंट करेंगे। तो गाइस इसके अंदर थोड़ा हम लोग लुब्रिकेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम इस तरफ से ठोकने वाला हूँ। तो गाइस हम लोग ठोक रहा हूँ, देखिए हमारा मेजर गेट जो है वो निकल गया है। अब क्या हुआ है देखिए, ये बहुत ही कार्बन बैठा था और ये इसको हम लोग को फ्री करना पड़ेगा अगर इसको हम लगाए तो। चलो सफाई करेंगे और इसके अंदर थोड़ा हम लोग जिसमें की घिसाई करेंगे। तो सीरीज कागज़ लाइए, ऐसे यहाँ देखिए हालत क्या हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग जिसमें की सफाई करेंगे जितना भी कार्बन वगैरह है। हम लोग जिसमें की सफाई करेंगे, यहाँ कचरा है, क्योंकि यहाँ हम लोग का कचरा बैठा तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हम लोग का वहाँ प्रेशर ख़राब हो जाएगा। चलो इसको अंदर सफाई कर लेते अच्छी तरह से, ठीक है। बस अब हम इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद देखेंगे जो इसका अंदर हम लोगों का जो पिस्टन हम लोग का फ्री आया जाया कर रहा है कि नहीं। तो अभी ओरिंग नहीं डालेंगे, एक ओरिंग है और इसके अंदर जिसमें कि हम लोग ऐसे पुश करेंगे ये अंदर ठीक आया जाया कर रहा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ देखिए आसानी से हम लोग का आया जाया कर रहा है, इसका मतलब हम लोग का काम बन जाएगा और नया लगाने का ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए मेरा उंगली खींच रहा है, उंगली खींच रहा है, देखिए इसका मतलब काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करेंगे और ओरिंग लगाते हैं। क्या करेंगे इसको हम लोग जैसे कि फीडिंग करेंगे, ठीक है। तो फीडिंग हम लोग करेंगे, पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। बस तो अब हम लोग इसमें फ्यूल डालेंगे, तो चलो फ्यूल डालते हैं। तो यहाँ से हम लोग जैसे कि थोड़ा फ्यूल, ब्रेक वाल दीजिए इसके अंदर हम लोग ब्रेक ऑयल भर देंगे गाइस, ठीक है। तो ब्रेक वाले यहाँ भर दिया है, अब हम इसको पुश करेंगे। अब हम लोग का कंप्रेसर आ रहा है जी नहीं, तो गाइस आसानी से हम लोग का ब्रेक आ चुकी है। थोड़ा चक्का को घुमाओ, देखो बस बस बस, रुको, एक बार हवा निकाल लेता हूँ यहीं से एक बार और, ठीक है। बाहर करके और अच्छी तरह से एक बार भर देंगे, ऑटोमेटिक हवा हम लोगों को आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग फिटिंग करते हैं, जैसे कि लॉक लगाएंगे। बस
अब हम लोग का ब्रेक काम कर रहा है, देखो ब्रेक काम कर रहा है, तो चलो लगाने की तैयारी करते हैं। ये टाइट दीजिए नट को, पिन कैम लगा देता हूँ और चेहरा पिन है, चेहरा पिन का सेंटर देखो तो ब्रेक हम लोगों का एकदम बेहतर से बेहतर काम करेगा, ठीक है, बेहतर से बेहतर काम करेगा। और इसमें यहाँ देखिए ब्रेक हम लोगों का हवा आ चुकी है, थोड़ा उनको घुमाओ, हाथ छोड़ो, देखिए देखिए एकदम मस्त। इस डब्बे में हम लोग ब्रेक ऑयल फुल कर देंगे, ये बहुत ही परेशान हुआ है और इस पंप का ख़राब होने का कारण ही हम लोगों का ब्रेक फेल हुआ था बाइक का। बस आशा करता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नट कहाँ है इसका? नट दीजिए। गाइस बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा फिलहाल इस बाइक में। मुझे लगता है क्या हम लोगों का पिस्टन खेल रहा था, बट खोल के देखा तो नहीं खेल रहा है। तो सिरिंज के माध्यम से काफ़ी सारे मैंने एक वीडियो भी बनाया था और काफ़ी सारे बाइक में यूज भी किया है, जिसमें कि कंप्रेसर हम लोग का बेहतर से जल्दी आए, बट इस बाइक में ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, जो मास्टर पंप था वो हम लोग का अटक के रह गया था और जैसे आया जाया नहीं कर रहा था, उस कारण से हम लोग का कंप्रेसर डैम हुआ है। तो आप लोग कभी कभी जैसे कि कंप्रेसर नहीं आ रहा है और सब कुछ कोशिश कर लिया है, एक बार खोल के देख लीजिए लॉक, जो पिस्टन आप लोगों का अटक के है या खेल रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, पिस्टन ख़राब हो जाता है, उसका कारण भी होता है। तो बट इस बाइक में कंप्रेसर जैसे कि ठीक था, ये BS6 बाइक है, ठीक है, ये BS6 बाइक है और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो आप लोग सोचते कि चेंज क्यों नहीं किया है। तो गाइस BS6 बाइक में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हम लोग का पंप एकदम बिल्कुल सही था, सिर्फ कोई कारण से अटक के रह गया था और उसका कारण हुआ था। तो पहले फिलहाल मैंने जो फार्मूला यूज किया, जो घिसाई किया, सफाई किया, करने के बाद हम लोगों का पंप एकदम खेलने लगा और मैं उससे महसूस कर रहा था कि जो एक पंप हम लोगों का चलेगा, तो फिलहाल अभी चल रहा है। देखो ब्रेक, देखो बाइक का एकदम ब्रेक हम लोगों का बेहतर से बेहतर काम कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।